दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव तथा निकाय चुनाव स्थगित हो गए हैं। आप सभी को पता भी चल गया होगा, आप सभी ने न्यूज पर देख भी लिया होगा कि चुनाव स्थगित कर दिया गया है, लेकिन नई तारीखों का ऐलान हो गया है। तो जानते हैं मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव तथा निकाय चुनाव क्यों स्थगित किए गए हैं और निर्वाचन आयोग का क्या कहना है और नई तारीखें क्या होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। यदि आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी जानकारियों से अपडेट रहें। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव स्थगित हो गए हैं, नई तारीखों का ऐलान हो गया है। पंचायत चुनाव का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। ये सारे चुनाव पहले ही हो जाने थे, 3-4 महीने पहले ही हो जाने थे, लेकिन कोरोना संकट के कारण चुनाव धीरे धीरे टल रहे हैं। इस बार भी यह चुनाव अब टल गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद के चुनाव स्थगित कर दिए हैं। चुनाव स्थगित करने का आदेश गृह एवं जेल विभाग मंत्रालय की मांग पर जारी किया गया है। चुनाव स्थगित गृह मंत्रालय और जेल विभाग के आदेश पर किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने निर्वाचन आयोग से चुनाव स्थगित करने की मांग की थी, इसलिए चुनाव स्थगित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल विभाग को लिखे पत्र में कहा है कि आपके पत्र क्रमांक 245 को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में नगरी निकाय चुनाव एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 तक आयोजित किया जाना था, अब वह टल गया है। शिवपुरी जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में जनवरी और दिसंबर में निकाय तथा पंचायत चुनाव के आदेश जारी हो गए थे, लेकिन इसे फिर से टाल दिया गया है। पंचायत चुनाव दिसंबर से फरवरी के बीच में होने थे, जिसे अब फरवरी 2021 तक टाल दिया गया है। इसका आदेश 26 बारह 2020 को जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के कुल 407 नगरी निकायों में से 307 का कार्यकाल दिनांक 25/9/2020 को समाप्त हो गया है। साथ ही 8 नगरी निकायों का कार्यकाल जनवरी एवं फरवरी 2021 में पूर्ण हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायतों में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो चुका है। इन निकायों के साथ नवगठित 29 नगर परिषदों का निर्वाचन भी संपन्न कराया जाना है। वहीं निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हमने किसी भी प्रकार से चुनाव स्थगित नहीं किया है। गृह मंत्रालय और जेल मंत्रालय ने चुनाव स्थगित किया है। अभी भी हम तैयार हैं, हर राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, चाहे वह पंचायत के चुनाव हो या फिर नगरीय निकाय चुनाव हो। अभी भी मध्य प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं, केवल सरकार हमें आदेश दे, हम चुनाव करा सकते हैं। कार्यकाल पूरा होने के बावजूद मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं 307 नगरीय निकायों के चुनाव शिवराज सिंह सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के नाम पर स्थगित करवा दिए हैं। विपक्ष के नेता, जागरूक नागरिक और सोशल मीडिया एक्टिविटी इसे लेकर जितने भी सवाल कर रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने गृह विभाग को लिखे पत्र में उन सबके जवाब माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर दे दिए हैं। वहीं कोविड-19 के संक्रमण के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा का सामान्य निर्वाचन एवं देश में आकस्मिक रूप से रिक्त लोकसभा एवं विधानसभा के उपचुनाव निर्वाचन संपन्न कराए गए थे। इसी प्रकार कई अन्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 संक्रमण के दौरान राज्य में नगरीय निकायों एवं पंचायतों के निर्वाचन संपन्न करा रहे हैं, जिसमें राजस्थान, जम्मू कश्मीर एवं तेलंगाना प्रमुख हैं। हैदराबाद में भी हाल ही में नगर पालिका निगम के निर्वाचन संपन्न कराए गए हैं। हरियाणा राज्य में निर्वाचन आयोग द्वारा भी नगरीय निकायों के निर्वाचन माह दिसंबर 2020 में कराने का कार्यक्रम जारी किया गया है। तो इस प्रकार से लगभग 5 से 6 राज्यों में नगर निकाय तथा पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं। नगरी निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचन कराया जाना आयोग का संवैधानिक दायित्व होता है, ये निर्वाचन आयोग का कहना है। मध्य प्रदेश शासन के संबंधित विभागों द्वारा निर्वाचन के पूर्व की कतिपय आवश्यक कार्रवाई समय पर पूर्ण न करने के कारण निर्वाचन कराए जाने में काफ़ी विलंब हो चुका है। नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन तत्काल कराए जाना प्रस्तावित है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन कराने के लिए आज की स्थिति में पूरी तरह तैयार है। निर्देशानुसार कृपया राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति पर सतत निगरानी रखें। जब भी आंकड़ों तथा अपनी तैयारी से राज्य शासन को यह महसूस हो कि स्थितियां सुधरी है तो राज्य निर्वाचन आयोग तत्काल अवगत कराया जाए। आयोग तत्काल निर्वाचन कराने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को कहा है कि हम पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, चाहे वह नगरीय निकाय चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो। तो अच्छी बात है,
अभी की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि अब चुनाव चाहे वो नगर निकाय के हो या फिर पंचायत के हो फरवरी के बाद ही हो सकते हैं। फरवरी तक कोविड 19 की स्थिति और नियंत्रण में आ सकती है कि जनवरी फरवरी मार्च में वैक्सीन लगने के आसार लग रहे हैं और वैक्सीन लगने के बाद कोविड 19 की स्थिति कंट्रोल में हो सकती है। उसके बाद ही राज्य सरकार चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए अवगत करा सकती है, अर्थात फरवरी के बाद में ही चुनाव हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisankhabar.in, तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चाहे वो व्हाट्सअप हो या फिर फेसबुक पर। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।